हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लजीज खाना। आज मैं आपके सामने बना रही हूँ पनीर बटर मसाला। उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने पहले से ही तैयार कर रखे हैं। चार से पांच मैंने लिए हैं लाल टमाटर, उसको इस तरह लंबे पीसेस में काट लिए हैं। तीन से चार हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, तीन टेबलस्पून मैंने लिया है बटर, दो टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, आठ से दस लहसुन की कली और एक दालचीनी, 10 से 15 काजू उसको मैंने पानी में भिगो दिए हैं, 200 ग्राम पनीर उसको इस तरह क्यूब्स में काट लिए हैं, वैसे अपने मनचाहे शेप्स में हम काट सकते हैं, दो टीस्पून मैंने लिया है कसूरी मेथी, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम टमाटर को बॉईल कर लेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। मैं कढ़ाई में डालूंगी थोड़ा सा बटर, अदरक, हरी मिर्च, दालचीनी, मैं इनमें डालूंगी बॉईल किए हुए टमाटर। टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए हैं। पांच से सात मिनट तक हम इसे यूं ही चलाएंगे और फिर ठंडा होने के बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अभी ठंडा हो चुका है, हम इसे मिक्सी में इसका पेस्ट बना लेंगे। ये काजू जो मैंने पहले भिगोए थे अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी पीसते वक्त तो थोड़ा सा दूध भी डाल देंगे। कढ़ाई गरम कर ली है, अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी बटर, बाद में डालूंगी टोमेटो का जो मैंने पेस्ट बनाया था, इसे दो से तीन मिनट तक हम इस तरह से खिलाएंगे। ये पेस्ट में अच्छा से उबाल आ जाना चाहिए, हम गैस हाई फ्लेम पे रखेंगे। के बाद मैं इसमें डालूंगी काजू का पेस्ट, और इसे इस तरह से हिलाते रहेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला, नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। सबसे लास्ट में अब हम डालेंगे पनीर। पनीर डालकर हम इसे दो से तीन मिनट तक पका लेंगे हाई फ्लेम पर। अब ये पनीर बटर मसाला बिल्कुल रेडी है, बस लास्ट में हमें डालना है कसूरी मेथी। फ्रेश कसूरी मेथी हम यूज करेंगे। अब ये पनीर बटर मसाला बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल लजीज खाना को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाय।